नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हाउ टू ग्रीनरी और कुकिंग में। देखो आज मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने पहले वीडियो डाली थी अपनी पालक की, जो कि मैंने काटा है और डलिया में रखा है बहुत सारा पालक। ये ना मैंने गमले में ही पालक उगाया हुआ है, कितना सारा पालक है देखो, इतना घना पालक मैंने बहुत अच्छे से इसमें ग्रो किया है। और मैं दिखाती हूँ आपको मैंने अपने गमलों में क्या क्या ग्रो किया है। और ये सरसों भी मैंने अपने गमले में ग्रो करी थी, देखो खूब सारी सरसों हो रही है और अब इसमें फूल भी आ गए हैं, है ना। और इसकी कली भी ये निकलने लगी है, अब इसकी फलियाँ भी बनने लगी हैं। और इसमें बहुत सारा देखो कितना सारा, इसमें से एक दो बार कितनी दो तीन बार जब भी ये मेरी जरूरत पड़ी है तो मैंने इसमें से काट लिया है। और मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि देखो ये मैंने मेथी भी बोई थी, तो मेथी ज़्यादा ग्रो नहीं हुई थी, इसमें कुछ ही पेड़ निकले थे मेथी के। और ये मैं आपको दिखाती हूँ गाजर, देखो गाजर भी अच्छे से ग्रो हुई है, गाजर का भी है। और आपको मैं दिखाती हूँ देखो बहुत सारी गाजर मैं आपको दिखा रही हूँ, कितनी सारी गाजर है ना। और आपको दिखाती हूँ मैं आलू अपने, जो कि बालकोनी में ही किए हुए हैं, मैंने ग्रो किए हैं अपने बालकोनी में। और ये शक्लकंदी भी मैं आपको कई सारी मैं वीडियो पहले डाल चुकी हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ बहुत सारे। देखो ये मेरी बालकोनी है, एक छोटी सी बालकोनी में क्या क्या मैंने उगाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं बालकोनी में। ये देखो प्याज भी मेरे गमले में प्याज भी उग रही है, आप देख रहे होंगे अच्छे से कितनी सारी अच्छे से ग्रो कर रही है प्याज, कितनी है ना। देखो कितने, जब मैं उखाड़ूंगी तब मैं आपको ये दिखाऊंगी, प्याज भी दिखाऊंगी। ये देखो मेरी तुलसी, सारा एक मेरी अपना छोटा सा है, मैंने बना रखी है बालकोनी में ही अपना किचन गार्डन, उसी में ही मैं ये सारी चीज़ें उगाती रहती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आप भी जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी आप कुछ पूछ सकते हैं मेरे से इस बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अपने किचन के लिए ताज़ी, जब भी आपका मन करे आप अपने गमले में से थोड़ा सा काट के अपने किचन में यूज कर सकते हैं, फ्रेश एकदम पालक, देखो फ्रेश पालक है। और आज मैंने इसकी पालक की कढ़ी के लिए मैं इसको ना काट रही हूँ। आप पालक के पकौड़े बनाना है, आटे में कुछ भी डालने के लिए जब भी आपका मन करे आपके पास रहेगा और आप इजीली इसे काट के अपने किचन में यूज कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने गमले में चीज़ों उगा सकते हैं। और आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, मेरी बालकोनी कैसी लगी, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा इस तरीके से दिखाना चीज़ों को और बालकोनी में उगाना कैसा लगता है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।